हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह हुई है यहाँ पे और धूप भी लगी है सुबह सुबह ही। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ और मेरी फेस देख के आप देख सकते हो, तक मैंने ना मुँह धोया ना ब्रश किया, बस मैंने नहाने के लिए पानी निकालने रखा है क्योंकि थोड़ी देर में हमने मंदिर जाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। रिधक के बाल काटने हैं और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ पूजा हो रही, क्योंकि हमने पिछले कल ही ट्रैक्टर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने ट्रैक्टर लिया है पिछले कल ही आया है ये। इसकी बॉडी पहले की थी बट ये इसका फ्रंट का अभी लिया। जो ये कट सुपारी रखी है इसमें थोड़ा तिलक करो, आगे छुए रखिए, गणेश भगवान के नाम से होती है। मैं तेलका में प्रयातम धूप। तो बस हम रेडी है जाने के लिए मंदिर को, रिधव को भी ले जा रहे हैं, तो हम लेते हैं आपको मंदिर में। चलो पलकी ना, चप्पल पहन लो आप, अभी लाई थी दादरों वाली, पहनो आप, यहाँ आ जाओ। ये सोच रहा है मेरा थैला है ना, कहीं भूल तो नहीं जाए अब। और है बकरा तो नहीं है इसको, मैम ना बहुत बकरा तो दूसरा आता है। आज मैम रिधर अब के ये बाल अब नहीं दिखेंगे रिधर, अब आप टकलू हो जाएंगे, टकलू टकलू हो जाएंगे, इतने सुंदर बाल। और यहाँ ऊपर अगर आपको पेड़ों के बीच में दिख रहा होगा तो यहाँ पर हमारी गाय का ओबरा है। और ये आ रही है पलकिन और उसकी दादी गाय अंदर बांध के। आ जाओ ड्राइवर जी, है भी पैसे की नहीं, खाली है पूजा, कागजी कागज है, कागजी कागज है, वो भी कर्जों के कागज है। चलो तो बस हम पहुंच चुके हैं मंदिर और यहाँ पे हमने गाड़ी लगाई है नीचे को, तो हमें पैदल ही जाना होगा। यहाँ पर नीचे हमारे, हाँ हाँ लेते आओ। और परे हमारे जागा माता का मंदिर अगर आपको दिखेगा, जनोगेश्वरी जनोग है उधर परे को। और यहाँ से नीचे आपको दिखेगा, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारे कुलदेवते का मंदिर है। और इस तरफ को भी मंदिर है, जलारी बोलते हैं हमारे यहाँ पे उनको, काली है वो, और उनको रिधव के बाल चढ़ने हैं। पहले हम इधर जाएंगे, तो चलिए। धूप है ना यहाँ पे इतनी तेज़ है और धूप से गर्मी से मेरे को इतनी एलर्जी है ना, एलर्जी इस मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे को ना सिर दर्द हो जाती है और अभी मेरा सिर दुख रहा है। और रास्ता भी बहुत खतरनाक है, तो मैं नीचे पहुंच के ही शूट करती हूँ। और ये लोग देखो कहाँ पहुंच गए और मैं सबसे पीछे हूँ। और यहाँ के रास्ते भी बहुत खतरनाक है, पथरीले, ये देखो। क्या बोल रहे हो, नेवल की गर्मी तो भाई दूर दूर तक फेमस है। नेवल की गर्मी, ऐसे लगता है हम हिमाचल में नहीं, हम पहुंच गए दिल्ली में। नाम का हिमाचल में ही है बट गर्मी तो यहाँ पर ऐसी है जैसे दिल्ली की गर्मी नहीं होती, वैसी गर्मी है यहाँ पे। हिमाचल के अंदर ऐसा गांव है, हिमाचल के, हाँ ये देखिए हिमाचल के अंदर एक ऐसा गांव जहाँ पर है दिल्ली जैसी गर्मी, और वो है जी हमारा नेवल। चौपाल के एरिया में आता है ये नेवल यहाँ पर। चलिए जी ऑलमोस्ट हम पहुँच ही गए हैं। और यहाँ पे पेड़ में है जी ये हमारे मशान बोलते हैं इनको यहाँ पे, और मैंने इनको अपना चूड़ा भी चढ़ाया था शादी का। कहाँ होना मेरा चूड़ा है, नहीं ये नहीं है मेरा चूड़ा, पता कहाँ है, ये वाला मेरी शादी का चूड़ा यहाँ पे। और इसको हो गई 4 साल यहाँ पे, 4 साल लेके पूजा, नहीं मैंने लेट चढ़ाया था शादी के बाद ही, थोड़ी ना तुरंत चढ़ाया था, लेट चढ़ाया था, पता कौन सा, ये वाला।
और इसमें लाल कलर की माला रिबन में बांधा है मैंने लाल रिबन में। ये वाला मेरा चूड़ा है, किरण दीदी ने भी चढ़ाया था। किरण दीदी का पता कौन सा होगा? किरण दीदी का, किरण दीदी का नहीं पता कौन सा होगा, बट अपना पता है मेरे को। तो ये है जी हमारे मशान। मशान क्या होता है, मतलब क्या देवी है। ये दिख रहा होगा थोड़ा सा छत, ये है जी हमारी कुल देवी जलारी। तो दिख रहा हो ना इनका मंदिर, अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं है, सिर्फ पंडित जी जाते हैं मंदिर के अंदर। बाकी जो भी यहाँ पर लोग आते हैं मत्था टेकने, डलारे, ढाल करने जो हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं, तो हाँ हाँ नीचे देख के चल रही हूँ। और ऊपर से मैंने चप्पल पहनी है, हमेशा मेरी वीडियो में ना खराब करती, इसकी इतनी आवाज़ आती ना वीडियो में। ये वाली चप्पल पहनी है मैंने और ये हमेशा वीडियो में इतनी बेकार आवाज़ लाती है। और हाँ, तो मैं बात कर रही थी इस मंदिर की, तो इसमें सिर्फ पंडित जी जाते हैं अंदर। और ये कुछ भी ऐसे नहीं मांगती अपने मंदिर में कि कोई भी देवी, मतलब कि ऐसे नहीं मांगती कि मेरा मंदिर रिपेयर करो। जैसा है जब से बनाया एज इट इज़ है, ना इसमें कुछ कलर हुआ है, ना इसमें कोई ऐसे कोई कार्विंग्स, कोई डिज़ाइन, ये मानती नहीं है देवी। जैसा है वैसा ही रखो, इन्हें ज़्यादा छेड़छाड़ पसंद नहीं अपने मंदिर में। तो ये जब से बना हुआ है तब से एज इट इज ही रखा गया हुआ है। इसमें आपको दिखेगा कोई भी इसमें कलर नहीं है, सिर्फ पत्थरों की चिनाई है सिंपल जो पुराने टाइम में होती थी, और इसके ऊपर स्लेट्स लगे हुए हैं, और ना ही तो ज़्यादा बड़ा है। जैसे स्टार्टिंग से बना है ये वैसे ही है। तो चलिए, और यहीं पर हमने दिधर्व के बाल चढ़ाने इन माता को। और यहाँ और तो बस हम पहुँच चुके हैं, अब इससे अंदर हम नहीं जाएंगे। डाल करो आयो ये ठीक ठाक है। नमस्कार नमस्कार। ओ भाई देखो ठंडा है, रखो बैठो 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 जी विश आया। अच्छा ये मांटा जी लागो है क्या जुड़ रहे हैं आप? तो लागो है हम से जी सुनो तो काट दे इन लोगों को। बोलो ना यार फोड़ का लो काट दे इधर आ, इधर बैठ। अच्छा तो नहीं पड़ना इसके बाल काटने में, वो ही नहीं आगे बैठा। कौन सा ये उतार कुछ भी दे देता हूं हमारा कुछ आवाज नहीं। ये देखिए रिदर्व और अंदर चले गए हैं और हम गेट के बाहर ही है। तो ये देखिए बस रिदर्व के बाल काटने वाले, थोड़े से ही काटेंगे यहाँ पे सीजर से और बाकी फिर हम घर पे काटेंगे। ये देखिए पंडित जी इसके बाल काट रहे हैं शगुन के तौर पे। बस यही होता हमारे मुंडन, हमारे यहाँ पर ऐसे कटते बाल, मंदिर में ला के थोड़े से काटेंगे बाकी फिर घर में कटवाएंगे। चुप कर इधर देखिए, खुश हो जा रही इधर। कैसे कैसे बाल काटे रिदब, सुंदर लगेगा दिखेगा इसके मुझे। चलो रिदब चलो, क्या कर रहे हो आप ही, चलो। बच्चों के स्कूल गए, तो ये जो देखे है ना घास काट रहे आप, कितना रहा काटना? और अभी तो बहुत सारा है, 10-15 दिन। 10-15 दिन का स्टार्ट कब किया आपने? टोली लगाते अच्छा ब्लॉग बना रहे हैं यार क्या मैं है ना। बारिश हुई नहीं बरसात में, इतनी बारिश तो हुई हमारे तो थी डेली परे। आप तो डेली मशीन डाल के चलो पलकिन की हो रखी है टाई टाई फिश और मेरी भी टाई टाई फिश हो रखी है, बहुत तेज है गर्मी है बहुत। तो ये पहुंच गए हम अपने कुला महाराज जी के मंदिर।
परगुजा मेरे परगुजा छाव में उधर से पंडित जी के पीछे जा इधर मेरा नाम है गाइस इधर ए जय 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 रुचि पिकली तो काटने दे अपनी पिकली शाबाश मान तो चलो तू फिर लेके आकांगे आकाश ने उससे आकाश ने दे यार ऊपर स्टीमर से भी अब छोटे हो गए ना देख दे बड़ा था का वाओ जिंदा जिंदा छोटे 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 रेंड 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 हैवन सीन यू हैवन सीन यू ले ये देख इसको पर इसको पर क्या है ये ड्रीम टीम है अच्छा जी चलो छोटा अपनी चीजों का तो पक्का वैसे बढ़िया शाबाश पंडित जी हो जाएंगे उस टीम में को यार ये पापा को आजा नमस्ते जी आपके मावे ले जाएंगे गर्मी से हाल हो गए तो अभी हम आए यहाँ पे अपने और दूसरी माता जुनोग में है यहाँ पे जो नागेश्वरी माता उनके वहाँ भी आए हुए हैं माथा टेकने क्योंकि जैसे कि जब हम कहीं बाहर से आते काफ़ी टाइम बाद तो हम सारे में ही जाते हैं ढाल करने तो यहाँ पर भी कब बनाई है सन 1987 में है ना उस टाइम बनाना है और मिस्त्री कौन था मोतिया पहुंच गए हम घर और ये नीचे को हमारे चाचू का घर है यहाँ पे और ये हमारा घर है तो जी ये बच्चे हुए बाल हम यहाँ पर कर रहे हैं इसके साथ और ये पलकिन यहाँ पर खेलते हुए ये इधर
और यहाँ पर है कुछ एक अखरोट लगाए हुए सुखाने के लिए। रिधर्व गंजू, और ये देखिए रिधर्व की कटिंग बिल्कुल टकला हो गया है। रिधर्व और जूस पी रहा है ये गाइस। क्या कर रहा है पलकिन? जूस पी रहा है ये टकले होके। मैंने आटा कर दिया है और इसको मैं गूंथती हूँ, फिर उसके बाद मैं पनीर बनाऊंगी और दही वाले फिर आलू बनाऊंगी बस।